हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, विश्व प्रणाली सिद्धांत दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमने अभी लास्ट वीडियो में डिपेंडेंसी थ्योरी पढ़ी थी, उसी की तरह वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी हमारी डिपेंडेंसी थ्योरी क्या बोलती है कि जो वेल्दी कंट्री है, डेवलप नेशन है, वो बेनिफिट ले रहे हैं अदर कंट्री से और एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उस कंट्री के सिटीजन्स को। वही डिपेंडेंसी थ्योरी में क्या था कि वो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं अंडर डेवलप नेशन से और उसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सामान, और वही सामान फिर वो एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं किसको, अंडर डेवलप नेशन से नेशन को, ठीक है। और इसी कंट्रास्ट में, डिपेंडेंसी थ्योरी के कंट्रास्ट में, जो ये मॉडल है वर्ल्ड सिस्टम जो है, इसने बताया कि कुछ मिनिमल बेनिफिट यहाँ पे उस कंट्री को भी हो रहे हैं जो लो स्टेटस वाली कंट्री है, ठीक है। तो ये जो थ्योरी थी ऑरिजिनेट करी थी सोशियोलॉजिस्ट इमैनुअल वॉल्स्टर ने, जिन्होंने बताया था कि जब एक कंट्री इंटीग्रेट होती है कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सिस्टम के साथ, तो वो डिटरमाइन करती है कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उस कंट्री के अंदर। तो वॉल्स्टन के अकॉर्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमी सिस्टम को उसने डिवाइड करा तीन हायरार्की में, तीन टाइप्स की कंट्री होती है, कोर, सेमी पेरिफेरल और पेरिफेरल, ठीक है। कोर कंट्री जैसे एग्जांपल हैं यहाँ पे US, जापान, जर्मनी, और जो डोमिनेंट हैं कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, उनके पास हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है। कोर कंट्री के पास कैपिटल इंटेंसिव जो है टेक्निक्स हैं, हाई वेजेस यहाँ मिलते हैं, हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पे जो पैटर्न हाई जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन पैटर्न है, लोअर अमाउंट ऑफ यहाँ पे लेबर एक्सप्लॉयटेशन मतलब कम होता है यहाँ पे। और जो पेरिफेरल कंट्री है उसमें है मोस्टली जो आते हैं अफ्रीकन कंट्रीज आ गई, लो इनकम कंट्री आ गई, और जैसे साउथ अमेरिका में है, और जो डिपेंडेंट है कोर कंट्री पे, ठीक है, कैपिटल के लिए, और वहाँ पे लेस इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइज्ड है, ठीक है। तो पेरिफेरल कंट्री जो यूजली क्या होती है, एग्रीगेरियन होती है, मतलब एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, वहाँ पे ज़्यादा संख्या अपनी जीविका के लिए, इनकी लो लिटरेसी रेट है यहाँ पे, इंटरनेट एक्सेस भी बहुत ज़्यादा कमी है। और सेमी पेरिफेरल कंट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे साउथ कोरिया, ताइवान, मैक्सिको, ब्राज़ील, ये सब हैं जो लेस डेवलप्ड हैं, ठीक है, देन कोर नेशन, लेकिन पेरिफेरल नेशन से वो ज़्यादा डेवलप हैं, ठीक है। तो ये किसके बीच में आ गए, कोर और पेरिफेरल के बीच में आ गए वो कंट्रियाँ, ठीक है। तो कोर कंट्री जो है उनके पास क्या है, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कैपिटल उनके पास है, टेक्नोलॉजी है, ग्रेट कंट्रोल है उनका वर्ल्ड के ट्रेड पे और इकोनॉमिक एग्रीमेंट पे, ठीक है। तो ये कल्चरल सेंटर भी हैं जो अट्रैक्ट करते हैं आर्टिस्ट को, इंटेलेक्चुअल्स को। और पेरिफेरल कंट्री क्या है, वो जनरली प्रोवाइड करती है लेबर, क्योंकि उनके पास लेबर फोर्स ज़्यादा है, उनके पास उनके देश में जो है रोज़गार की कमी है, तो उनके पास लेबर फोर्स ज़्यादा है, तो वो अपना जो लेबर फोर्स है वो प्रोवाइड कर सकती है वहाँ पर। और मटेरियल किसको, भाई उनके पास रॉ मटेरियल है, क्योंकि उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चर्ड कर सकें सामान, ठीक है। सेमी पेरिफेरल कंट्री जो है एक्सप्लॉइट करती है पेरिफेरल कंट्री को, लाइक कोर कंट्री, ठीक है, दोनों ही कंट्री मिलके जो है यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर रही हैं किसको, जो पेरिफेरल कंट्रीज़ हैं उनको, ठीक है। यहाँ पर जो कोर कंट्री है वो एक्सप्लॉइट कर रही है दोनों को, क्योंकि जो सेमी पेरिफेरल है और जो पेरिफेरल है, ठीक है, कंट्री, ये दोनों ही क्या हैं, कोर कंट्रीज से जो हैं कम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोर कंट्री है एक्सप्लॉइट कर रही है किसको, सेमी पेरिफेरल और पेरिफेरल को, और सेमी पेरिफेरल कंट्री जो एक्सप्लॉइट कर रही है पेरिफेरल कंट्री को, ठीक है। तो कोर कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है रॉ मटेरियल कम कॉस्ट में, और उसे क्योंकि उनके पास सेट है प्राइस, उनके पास जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनके प्राइस सेट हैं, ठीक है, थीके? तो वो पेरिफेरल कंट्री को एक्सपोर्ट कर रही है रिगार्डलेस ऑफ भाई मार्केट प्राइस उन्होंने फिक्स कर रखा है, और वो फोर्स कर रही है स्मॉल फार्मर को कि वो अपने फील्ड में और वो क्या करते हैं कि जो छोटे फार्मर हैं उनको जो है मजबूर करते हैं कि वो अपना खेत छोड़ दें, क्योंकि वो अफर्ड नहीं कर सकते कि भाई वो अपने लेबर को पे कर सके और फर्टिलाइज़र वगैरह के लिए। तो जो वेल्दी हैं पेरिफेरल कंट्रीज़ वो बेनिफिट हो रही हैं लेबर ऑफ जो पुअर वर्कर हैं फ्रॉम देयर ओन इकोनॉमिक रिलेशन किसके साथ, कोर कंट्री कैपिटलिस्ट के साथ। तो यहाँ से यहाँ पे उनको ऐसे फ़ायदा होता है कि भाई सारे तो गरीब नहीं होंगे, कुछ जो होंगे वहाँ पेरिफेरल कंट्री में कुछ लोग होंगे जो वेल्दी होंगे, ठीक है, तो वो लेबर जो पुअर वर्कर हैं उनसे काम करा के, ठीक है, उनका अपना इकोनॉमिक रिलेशन है किसके साथ, कोर कंट्री जो कैपिटलिस्ट हैं, तो उससे उन्हें फ़ायदा मिल सकता है। तो यहाँ ये थ्योरी हमारी जो है ख़त्म होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।